आइए कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई न्यूडिटी नहीं, कोई एक्सपोजिंग नहीं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं, कोई लिप लॉक नहीं, बस पूरा प्यार और इमोशंस। 2022 की मैंने दे सीतारमम देखी। अपना टाइम लेती है पिक्चर, लेकिन पिक्चर अच्छी है। कुछ प्रॉब्लमेटिक थीम्स को एक्सप्लोर करती है, मगर इसका मेन एसेंस उस प्यार को पाना है जिसको मिलती नहीं मंजिल। एंड बाय गॉड, पिक्चर के एंड आते आते ये इतनी तकलीफ देती है कि साला प्यार करना ही क्यों। पर्सनली बोलूं तो मैं रोमांटिक मूवीज का बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं, मगर मूवी में मृणाल ठाकुर एज सीता किसी अधूरे ख्वाब की तरह लगती हैं। खैर पीजे अभी कोई सिंपिंग नहीं होगी, लेकिन इसको देखकर एज अ सिंगल पर्सन फील हुआ कि अगर प्यार ऐसा है तो भाई मेरे को प्यार और के मैटर नहीं पड़ना है। मगर खैर ओवरऑल पिक्चर अपने क्लासिक लव स्टोरीज का परफेक्ट एग्जांपल है, जिसकी वजह से असल जिंदगी में प्यार प्यार करने के लिए बदनाम है।